तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी 8 to 10 और 2 to 4 PM दोनों में आइसोमेरिज्म यानी ऑर्गेनिक सेम चल रहा है और भी आइसोमेरिज्म चल रहा है। आइसोमेरिज्म में हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पिछले क्लास बात कर लिए थे चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म। आज बात करने जा रहे हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेम से ही स्पष्ट है रिंग भी होगा और चेन भी होगा। जैसे ही आइसोमेरिज्म कहा जाए तो सेम मॉलिकुलर फार्मूला, ये तो निश्चित रूप से फिक्स है। और दूसरा इस रिंग और चेन में जो कॉन्सेप्ट आया, जो ओपन चेन और क्लोज चेन, ये दोनों ही यदि पॉसिबल हो सेम मॉलिकुलर फार्मूला से, तो वे दोनों स्ट्रक्चर आपस में रिंग चेन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं C3H6। आपको क्या समझाया थे जो किस टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके लिए आपको सबसे पहले UF फाइंड कर लेना होगा। तो UF जब फाइंड करेंगे तो इसका 1 आएगा। जब UF 1 आएगा तो हम समझते हैं जो ओपन चेन में स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे तो एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा। देखिए ये रहा 3, 4 और 2, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, परोपीन के नाम से जानेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझाए थे यदि ओपन चेन हो और ओपन चेन में यूएफ यदि 1 हो तो उससे यदि साइक्लिक बनाया जाए तो किसी प्रकार से कोई डबल बॉन्ड संभव नहीं होगा। तो देखिए ये इसका नाम हो गया साइक्लोपरोपेन। ये दोनों का दोनों अलग अलग नेम है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, इसलिए सबसे पहले आपस में ये आइसोमर है। और आइसोमर में यदि ओपेन, ये तो ओपेन चेन है और ये रिंग है, यदि ओपेन और रिंग, ये रिंग कहते हैं और ये ओपेन, तो यदि रिंग और ओपेन दोनों ही संभव हो तो आपस में कहलाएगा ये रिंग चेन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट नंबर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आइसोमेरिज्म जैसे ही बात किया जाए तो हम लोग ये बात जान गए हैं जो फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यदि डिफर आ जाए तो वे आपस में किस नाम से जाना जाएगा, फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो यदि एक एग्जांपल ले लें C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले UF निकालिएगा, UF यदि निकालेंगे तो 0 आएगा। UF का फार्मूला याद है ना, 2C+2+N+P-H-X होता है ना। तो इस तरह से सबसे पहला काम करें UF फाइंड करें, ठीक है। और UF फाइंड करने के बाद यदि हमको UF 0 आ गया तो इससे स्पष्ट होता है जो इससे बनाया गया स्ट्रक्चर ओपन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा और कोई साइक्लिक का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो CH3O CH3, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इथर है, और इतना ही स्ट्रक्चर से यदि ये बना लिया जाए तो ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल और इथर आपस में कौन सा आइसोमर बन गया,
फंक्शनल आइसोमर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल C3H6O। सबसे पहला काम क्या करना होगा बाबू, UF निकालना होगा। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके UF निकाल लें, और UF निकालने के बाद ये देखें जो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें संभव है। तो यदि हम UF निकालते हैं तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो उस सिचुएशन में हम ये जानते हैं जो UF 1 होने पे एक डबल बॉन्ड संभव है, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो कीटोन आ गया। और इतना ही से हम और कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये रहा एल्डिहाइड, है ना। तो ये आपस में ये एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा आइसोमर के नाम से जाना जाएगा, फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो हो गया वे एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। अब और देखते हैं, नेक्स्ट देखिए C2H4O। देखिए आप लोग सबसे पहला काम क्या करें, इसको UF फाइंड कर लें। फाइंड कर लिए UF, और उसके बाद बना दें जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप संभव है। तो C2H4O2 होगा, O2। तो UF निकालने के बाद हम लोगों को UF मिलेगा 1, और जैसे ही UF 1 मिलेगा तो हम क्या समझते हैं, जो इसमें एक डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं आप CH3OOH। देखिए तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, क्या नाम है इसका, एसीटिक एसिड, यानी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और इसी से बना लीजिए HCOCH3। ये क्या बन गया, स्टार बन गया ना, इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं वे बन गया स्टार। तो ये स्टार और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड एक दूसरे को किस नाम से जाना जाएगा, तो फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए CH3CH2CH2CN, ये साइनाइड है, और ऐसा कर देते हैं जो CH3CH2CH2NC, ये आइसोसाइनाइड है। देख लीजिए अच्छा से है कि नहीं है, ये साइनाइड CN और ये NC आइसोसाइनाइड, ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर, तो फंक्शनल आइसोमर। तो इस तरह से हम लोग हमेशा फंक्शनल आइसोमर क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप पता नहीं होगा तब तक आप फंक्शनल आइसोमर बहुत अच्छा से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बार यदि फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूजन है तो उस फंक्शनल ग्रुप को देख लें, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलें नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम लोग देखें, फंक्शनल आइसोमर का बात कर रहे हैं, एन CH3CH3। बताइए सबसे पहले आप लोग बताइए जो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, हैं? तो ये है एमाइन, है ना। अब एमाइन में हम लोग डिग्री बात कर रहे हैं, तो सोचिए जो ये कितने डिग्री का एमाइन है, सोच रहे हैं आप। देखिए ये 3 नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये 3 डिग्री का एमाइन है, क्लियर है। ये कितने डिग्री का एमाइन है, 3 डिग्री का एमाइन है। फिर देखिए ये एमाइन है, ये कितने डिग्री का एमाइन है, तो ये 2 डिग्री का एमाइन है।
समझ रहे हैं बाबू? बहुत अच्छा से समझिए, जल्दी ही हम लोगों का ओपन अब जो है सो ऑफलाइन का चांस बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कोरोना का केस लगातार घट रही है ना, तो यानी नौटंकी समाप्त होगा। ये कोरोना क्या है, सिर्फ एक नौटंकी ही तो है, तो ये नौटंकी जल्दी ही खत्म होगा और हम लोग फिर से ऑफलाइन, क्योंकि दुनिया में सारी कुछ ओपन है, लेकिन एक शिक्षा व्यवस्था जिस पर इस दुनिया का नींव, जिस पर ये एक स्वस्थ समाज का नींव टिका हुआ है, उसी को बंद कर दिया गया है। तो ये सब एक नौटंकी है, तो नौटंकी उम्मीद है जो जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ये बात करेंगे, ये तो 1 डिग्री अमाइन है। अब देखिए सभी का सभी में कार्बन देखिए तो कितना है, 3, हाइड्रोजन देखिए तो 9 और नाइट्रोजन 1। तो सभी में आप कार्बन 3 है, नाइट्रोजन 9, हाइड्रोजन 9 है और नाइट्रोजन 1 है, लेकिन सभी में ये वो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर होगा बाबू? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? चलिए फिर से देखिए, अभी यदि आपसे हम कहें तो ये क्या है, फिनॉल है ना, और ये यहाँ पे लगा दीजिए CH3 है ना, तो ये आपका फिनॉल पार्ट है। और ऐसा देखिए हम करते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, OH। अब ये हो गया अल्कोहल, तो क्यों, क्योंकि OH जो है CH2 से अटैच्ड है, तो ये आपस में एक दूसरे का कौन सा आइसोमर कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मेटामेरिज्म, तो कितने का बात हम लोग कर लिए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज, और एक टॉटोमेरिज होगा जो आगे कभी देखेंगे। तो मेटामेरिज, जैसे ही आइसोमेरिज कहा जाए तो ये बात तो हम लोग जान गए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इतने जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अराउंड अल्काइल ग्रुप का चेंजिंग होगा और हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए इसमें से कुछ याद रखिए, ये इथार, इसको छोड़ दीजिए, कीटोन, एस्टर, ठीक, कम से कम ये तीनों तो याद रखिए जो इसके अराउंड क्या होता है, मेटामेरिज होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें जो मेटामेरिज कैसे कहेंगे, CH3O CH2 CH3। देखिए ये इथर फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड एक कार्बन और इस साइड 3 कार्बन, फिर CH3 CH2O CH2 CH3, अगेन ये देखिए इथर और इस साइड 2 कार्बन और इस साइड भी 2 कार्बन। तो इस दोनों को अब गौर से देखिए, जो यहां इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि यहां हम कह दें डाइवैलेंट, उसमें कार्बन का चेन का लेंथ अंतर है, इसलिए आपस में ये किस नाम से जाना जाएगा, मेटामर के नाम से जाना जाएगा। यानी जैसे ही हम लोगों को मेटामर कहा जाए तो हम क्या समझेंगे, अल्काइल ग्रुप का जो है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड चेंजिंग होता है, इस घटना को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेटामर। फिर से देख लीजिए बाबू, यदि मेरे पढ़ाई में किसी को समझ में न आए तो जानते हैं सीधे कहां जाना होगा, सबको मालूम है, और जिसको मालूम नहीं है वे ऑफलाइन में आकर के पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, अब
ये कीटोन है और इस कीटोन के अराउंड ये एक कार्बन और यह इधर थ्री कार्बन, फिर इसमें देखिए ये कीटोन दो दो कार्बन, तो अल्काइल ग्रुप का चेंजिंग हो रहा है इसलिए आपस में ये इसीलिए कौन सा आइसोमर कहलाएगा, मेटामर के नाम से जाना जाएगा। तो क्लियर हो गया जो मेटामर क्या है, यानी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का जो चेंजिंग है उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेटामर के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चले हम लोग एक इंपॉर्टेंस मॉलिकुलर फार्मूला का बात कर ले, C4H10O। आपको ये बार बार पूछा जाता है इसीलिए इसके बारे में बहुत अच्छा से समझिए। सबसे पहला काम क्या करना होगा, UF निकालना होगा। तो UF 2C कहते हैं, 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस X बाई 2। तो 2C यानी 4 प्लस 2 प्लस N कितना, N जो है 0 प्लस 0 माइनस एच कितना, तो 10 माइनस 0 बाई 2, 2 दुना 4 दुना 8 2 10, यानी इसका UF 0। और यदि UF 0 आ जाए तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या समझे हैं, जो ओपन चेन में किसी प्रकार से कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ओपन चेन में किसी प्रकार से कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 क्या बोलिएगा इसको, 1-butanol, दूसरा 1 2 3 4 यहां OH लगा देंगे, क्या बोलिएगा 2-butanol, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर, तीसरा जो है 1 2 3 ये 4, तो 1 2 3 यानी 2-methylpropanol कहेंगे। चौथा देखिए 1 2 3 यहाँ OH लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए, 2-methyl-2-propanol। पांचवा नंबर 1 2 3 यानी इसको क्या कहेंगे, मीथोक्सीप्रोपेन। छठा नंबर 1 2 ethoxyethane और सातवां नंबर 1 2 इस तरह से 1 2 3 2-methoxypropane। तो ये जो नंबर ऑफ आइसोमर कहा जाए स्ट्रक्चर आइसोमर कितना, तो 7, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर क्या कहिएगा, 7। सबसे पहले तो रट जाइए जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू हो गया 7। अब 7 में थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं जो क्या क्या एक दूसरे को कहा जाता है। ये बात यदि आपसे हम ये पूछ दें जो फर्स्ट और फाइव डायरेक्ट ले रहे हैं, फर्स्ट और फाइव देखिए, फर्स्ट और फाइव एक दूसरे का कौन सा आइसोमर, तो कह देंगे एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इसमें अल्कोहल है और इसमें ईथर है, तो ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। यदि हम कह देंगे 5 और 6, देख लीजिए गौर से 5 और 6, तो सबसे पहले 5 और 6 तो एक दूसरे का मेटामर, और कोई है आइसोमर तो देख लीजिए, इसमें मेन चेन 3 कार्बन का, इसमें मेन चेन 2 कार्बन का, इसलिए ये मेटामर के साथ साथ एक दूसरे का चेन आइसोमर भी है। क्लियर है। थर्ड और फोर्थ में जब बात करें,
देख लीजिए गौर से, थर्ड और फोर में, तो थर्ड और फोर यदि देखेंगे तो अल्कोहल यहाँ भी है, अल्कोहल यहाँ भी है, इसमें मेन चेन में थ्री कार्बन है, इसमें भी मेन चेन में थ्री कार्बन है, लेकिन अल्कोहल यहाँ वन पे है और अल्कोहल इसमें टू पे है ना, तो इसीलिए एक दूसरे का कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। एक दूसरे का कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये आइसोमर को क्लियर कर सकते हैं जो किस टाइप का आइसोमर संभव है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें देखें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एरोमेटिक आइसोमर ऑफ C4H7O। सबसे पहले आपको क्या सिखाया, जो UF निकालिए, तो UF यदि निकालिएगा तो 2 × 7 = 2 + N होता है, प्लस P होता है, माइनस H होता है, माइनस X होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए तो कितना, 7 × 14 = 16 माइनस 8 बाय इतना यानी 8 बाय इतना यानी 4 हो गया, UF 4 हो गया। इसमें स्पष्ट कर दिया गया पहले ही, जो आप कैसा आइसोमर दिखावे तो एरोमेटिक दिखावे, तो यदि एरोमेटिक दिखाएंगे तो इस तरह से हम बना सकते हैं CH2OH। देखिए तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा हैं, और जब यह स्ट्रक्चर बन जाएगा तो यह स्ट्रक्चर भी अभी अभी दिखाए हैं बन जाएगा हैं, देखिए ऐसा, ठीक है। और जब इस तरह से बन जाएगा तो खटाखट ये जो पोजीशन है ये तो अर्थो है, और जब अर्थो पोजीशन है तो हम लोग मेटा भी रख सकते हैं और पैरा पोजीशन भी रख सकते हैं, ठीक, और स्ट्रक्चर बन सकता है। तो बना करके देखिए, एक और बन जाएगा यानी OCH3 यहाँ लगा दें, तो इस तरह से ABCDE। चलिए आप विचार कीजिए, यदि आपसे हम पूछ दें ए और बी आपस में कौन सा आइसोमर है, ए एंड बी, तो इसमें अल्कोहल है और इसमें फिनॉल है, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। इसी तरह से बी और सी में विचार कीजिए, बी एंड सी, सोच लीजिए अपने से पहले जो बी और सी किस टाइप का आइसोमर हो सकता है। तो देखिए ये अर्थो है और ये मेटा है, तो इसीलिए आपस में पोजीशन, क्योंकि फंक्शन रूप क्या है, सेम है। तो इसी तरह से सी और डी भी विचार कीजिए, जो सी और डी, तो सी और डी में ये पैरा पोजीशन हो गया, सिर्फ पोजीशन है, तो ये आपस में कौन सा पोजीशन आइसोमर। ए और डी विचार कीजिए, जो कौन सा है, ए एंड डी, ए और डी, देखिए कौन सा है, तो इसमें अल्कोहल है और इसमें कौन सा है, फिनॉल है, तो अगेन ये कौन सा फंक्शनल आइसोमर। तो इस तरह से अब हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आपको टॉटोमेरिज्म को छोड़ करके आज फिनिश कर दिए, अगले रोज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है बाद में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा जो टॉटोमेरिज्म छोड़ दिए, यानी अगले रोज हम जो बात करेंगे स्टीरियो का पार्ट, टॉटोमेरिज्म में जहां हमको जरूरत पड़ेगा वहां बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या काम करना है, बार बार रिवाइज करना है, बताए थे जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार केमिस्ट्री है, लेकिन आप उसको रिवाइज करेंगे तब अच्छा लगेगा, बार बार रिवाइज करते रहें।